गाइस आप सभी, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक्चुअली मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ और आज जो है खाने में सिर्फ कढ़ी और चावल बनाना है। तो ये है मेरा साड़ी लुक, और साड़ी मैंने इसलिए वेयर किया है क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है स्टम्प प्योरसिंग वाली वीडियो। तो आज मैं कैसे लग रही हूँ, आई होप कि मैं अच्छी लग रही होंगी। आज का मेरा ये नया लेंस है, तो साड़ी जो है मैंने पूरी तरीके से लो वेस्ट पहनी है और पूरा लुक मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। चलो थोड़ा सा बाहर का भी मौसम देखते हैं कैसा है बाहर का मौसम। और आज मैंने लिपस्टिक ना बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर में लगाई है, और ये मेरा लेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का शेड मंगाया है मैंने। तो ओवरऑल लुक मैं अभी आपको जल्दी दूंगी। ब्लाउज मुझे थोड़ी सी फिटिंग करानी है, ब्लाउज इतनी thank you.
गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बटन की जो क्लीनिंग है ना वो NYV के सीरम से की है, और आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं या फिर वैसलीन ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, पैरासूट ऑयल ले सकते हैं, या फिर अगर आपको क्लीनिंग के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। तो आप इजीली उसे एक किसी भी टिश्यू पेपर से क्लीन कर लीजिए, चाहे आप वॉश कर लीजिए। मैंने क्लीन किया है टिश्यू पेपर से, वाइप्स के जो पेपर्स आते हैं उससे क्लीन किया है। उसके बाद जो है मैंने सीरम ऑयल से बहुत अच्छे से लगा के उसको थोड़ी देर मसाज किया है, क्लीनिंग की है। और उसके बाद जो अपना ब्लैक मेटल का जो ये वाला नोज पिन मंगाया था उसको वेयर करके भी दिखाया है। आई होप गाइज ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों को मेरी बैली पियर्सिंग स्टम्प तो आप लोगों को मेरी बैली पियर्सिंग और आप लोगों को मेरी जो है पियर्सिंग की स्टोरी वीडियो वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और लास्ट में मैंने जो पियर्सिंग क्लीनिंग की वीडियो जयपुर में शेयर की थी, आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट दिया। ऐसे ही मेरी इस वीडियो को भी प्यार देना, सपोर्ट देना और ढेर सारी लाइक्स देना, और ये लाइक्स 1000 के ऊपर पहुंचा देना, तो ही मैं मेहनत करूंगी। एक्चुअली आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते, इसीलिए मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट इस समय सुन नहीं रही हूँ। तो आप लोग को मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप लोग कोई भी जो है आप लोग वैसलीन से भी क्लीनिंग कर सकते हैं, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, और इजी आप चाहे तो मसाज करने से पहले उसको अच्छे से क्लीनिंग कर लीजिए, जो कि उसके अंदर जो बैली के अंदर जो डस्ट वगैरह होता है ना उसे अच्छे से क्लीन करना होता है। अदरवाइज वहाँ से भी एक अजीब सी जो गंदगी डस्ट होते हैं ना डेली के वो जमा हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से मसाज करना है, अच्छे से क्लीनिंग करना है। तो वो क्या होगा कि एक बार अच्छे से एक बार क्लीनिंग हो जाएगा ना, आप चाहे तो वीकली में भी क्लीनिंग कर सकते हैं। हर वीक में एक बार अपने बैली की क्लीनिंग और जो है मसाज जरूर करिए, बहुत अच्छा होता है, नहीं तो वहाँ से स्मेल आने शुरू हो जाती। तो एक्चुअली मैं साड़ी पहन के इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि वो साड़ी से अच्छी प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पाती, मसाज भी नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैंने चेंज करके जब आप लोगों को दिखाया है। लास्ट में भी मैंने साड़ी पहन के क्लीनिंग की थी और उसको चेंज करने के बाद ही दिखाया था। और मैंने कुछ जो है अब सिर्फ जो मेरे नोज पिन थे और पियर्सिंग वालों के लिए था, विदाउट पियर्सिंग वाले लोगों के लिए है, तो मैंने बस उसको लगा के देखा है कि कैसा लग रहा है। ब्लैक मेटल भी जो है बैली में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं किसी ड्रेस के साथ वेयर करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ब्लैक मेटल भी ना एक अलग से खिलकर आ रहा था, अलग से दूर से ही दिख रहा था। तो मैं कोई भी वेस्टर्न ड्रेस पहनूंगी, जीन्स वगैरह पहनूंगी, तो शॉर्ट क्रॉप टॉप वगैरह मैं वेयर करती रहती हूँ, तो उसके साथ अगर मैं वेयर करूंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी गाइज। और वीडियो का एंड करने से पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और हैप्पी रक्षाबंधन, और हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और ईद मुबारक हो। बहुत सारे फेस्टिवल है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मुबारक हो, सारे फेस्टिवल आप लोगों को मुबारक हो। अच्छे से सेलिब्रेट करिए, घर में सेफ रहिए, और मैं भगवान से प्रे करूँगी कि आप लोगों का ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो, अच्छे से बीते। सो गाइज मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और मैंने साड़ी वेयर किया था, मैंने सोचा था साड़ी के साथ ब्लॉग बनाऊंगी, और शाम को 7-8 बजे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि मैं साड़ी पहन के ही सो गई, मुझे पता ही नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। और सिर्फ मुझे इतना याद है कि ये आए हैं सामान लेके, दूध वगैरह, इनके लिए दरवाज़ा खोला, उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं है। और अभी रात के 11 बजे मैंने रोटियाँ बनाई है, और जब उठी हूँ इन्होंने उठाया तो सब्जी बना के रख दी थी इन्होंने, मेरे को कढ़ी चावल बनानी थी, सब कुछ रह गया, सब कुछ धरा का धरा रह गया, ना कढ़ी बनी, ना चावल बना, ना कुछ भी नहीं बना। तो मैं रात को 11 बजे उठ के अभी रोटियाँ बनाई है और एक रोटी खाया है। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा है, मुझे सो के उठने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो देखो मच्छर भी परेशान कर रहा है। और अभी देखो मैं गर्मी में पसीने में वीडियो शूट कर रही हूँ। और सीरम ऑयल जो है ना मसाज के लिए, फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो मेरे पास सीरम ऑयल था इसलिए मैंने जो है
उससे क्लीनिंग करने के बाद मैंने सीरम ऑयल से ही मसाज किया है। लास्ट टाइम मैंने किसी और चीज़ से मसाज किया था और वैसलिन, आई थिंक वैसलिन से मसाज किया था। तो अगर आप लोगों के पास सीरम नहीं है तो वैसलिन भी बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली वैसलिन में भी ना बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है, तो आप लोग चाहे तो वैसलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बैली को क्लीन करने के लिए। वैसलिन भी बहुत ही अच्छा काम करता है और क्लीनिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बस यही था आज के वीडियो। फेस्टिवल आप लोगों को मुबारक हो। और मैं चली, मैंने नाइट ड्रेस वगैरह वेयर कर रखा है और आज मेरा एक पार्सल भी रिसीव हो गया था। तो देखना मैंने कैसा लेंस मंगाया है, और अच्छा लगे तो लाइक वर्ड हो आप लोगों को। अब कौन सी वीडियो देखनी है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। एक्चुअली आज मुझे दो वीडियो शूट करनी थी, दो वीडियो में से, और बहुत 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 मुश्किल से खाना खाने के बाद एक वीडियो शूट कर पा रही हूँ, जो कि ये छोटे छोटे क्लिप थे जो कि मैं बना ही रही थी सुबह से, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया है। और एक ऑर्गेनाइज़र बनाना था मुझे, उसको भी स्टार्ट किया, वो भी ऐसे ही एजिटीज ही रखा पड़ा है। अब वो मैं कल या परसों बनाऊंगी तो ही मैं शेयर कर पाऊंगी। और देखो मेरे को मच्छर बहुत काट रहा है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं पसीने से हो रही हूँ लथपथ। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।